गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं एक बड़ा वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा शॉर्ट्स वीडियो डालती थी। बहुत टाइम के बाद मैं लॉन्ग वीडियो बनाई हूँ यहाँ पे। सो आज का वीडियो होने वाला है रिव्यू वीडियो। आज मैं आप लोग के सामने वॉक के सारे प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे पास सारे प्रोडक्ट हैं, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सीरम, सनस्क्रीन एंड देन एलोवेरा जेल। इन सारे प्रोडक्ट्स के मैं रिव्यू करने वाली हूँ और ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है, कोई भी इंपोस्टर वीडियो नहीं है। मैं आपको आज बताऊंगी कि आपको कौन ऑयली स्किन वालों को क्या कौन सी चीज़ यूज़ करना चाहिए, ड्राई स्किन वालों को कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा पहला प्रोडक्ट है वो है फेस वॉश। स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये देखिए इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये है विटामिन सी फेस वॉश, और ये है पैराबेन सल्फेट सिलिकॉन कलर फ्री फेस वॉश, एंड देन ये डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, ऑल स्किन टाइप के लिए है ये, एंड देन मेड इन इंडिया है। इसकी जो प्राइस है वो है 399 रुपीज़। आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा अमेजोन, नायका, पर्पल, आप कोई वेबसाइट्स पे इसे डिस्काउंट में परचेस कर सकते हैं। मैंने भी इसे सारे प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पे ही परचेस किया है। सो इस तरीके की जो सिलिकॉन ब्रश के साथ आता है ये, इस तरीके की फॉर्मिंग टेक्सचर के साथ आता है ये। देन आप इसे अच्छे से इस तरीके से अपने फेस पे लगा के अपने फेस को अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए। सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो आपकी कोई भी स्किन टाइप हो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। सो ट्राई दिस। देन जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वो है टोनर। इस तरीके की पैकेजिंग में आता है टोनर। टोनर है विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर। ये भी सिलिकॉन सल्फेट पैराबेन फ्री टोनर है ये। ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। इसकी जो प्राइसिंग है वो भी 399 रुपीज़ है। ये देखिए मैंने इसे इतना यूज़ कर लिया है, देन इसके बाद मैं आप लोग के सामने रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये टोनर बहुत अच्छा टोनर है। इसका टेक्सचर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये आपके स्किन को ड्राई नहीं करता है। ये देखिए आपके स्किन में अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाता है। देन इसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लें तो आपकी स्किन अच्छे से सटल हो जाती है। बस इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाता है। आप इसे कोई भी स्किन टाइप वाले हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वो है मॉइस्चराइजर। ये देखिए इस तरीके की पैकेजिंग में आता है ये मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर भी विटामिन सी फेस क्रीम विटामिन सी हाइड्रोलोनिक एसिड के साथ आता है ये। इसकी प्राइसिंग है 599 रुपीज़ विथ डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा एनी वेबसाइट्स पे। सो ये भी क्लेम करता है कि ये भी पैराबेन सल्फेट और सिलिकॉन फ्री कलर फ्री प्रोडक्ट है। आप इसमें ये भी लिखा है कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। सो नो गाइज, ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम जरूर आती है कि आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। सो मैं ये इस तरीके से निकलता है, आप इसे पुश करेंगे देन आपके ये प्रोडक्ट आ जाएगा, और आप इसे इस तरीके से अपने फेस पे लगाएंगे तो आपको लगाते टाइम तो कोई भी फीलिंग नहीं आएगी। देन इसके बाद ही हल्का सा स्वेटिंग देता है आपके फेस पे, और ऐसा लगता है कि एकदम बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है आपके फेस में, एकदम पूरे फेस पे स्वेटिंग स्वेटिंग हो जाती है। सो मेरा जो व्यू है कि रिव्यू है कि आप इसे बिल्कुल भी परचेस नहीं की मत करना, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये आपके फेस पे इतनी जल्दी स्वेटिंग देता है। मॉइस्चराइजर मीन्स होता है कि वो आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखे, आपकी स्किन है वो हाइड्रेटेड रहे, बट ये आपके फेस पे स्वेटिंग लाता है और एकदम बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे फेस पे। ओ माय गॉड, आप इसे बिल्कुल भी परचेस मत कीजिएगा। पर्सनली मैं आपके सामने इसे रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ। सो इसे बिल्कुल भी बाय मत कीजिए ये एकदम। देन इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है सनस्क्रीन। ये देखिए इस तरीके की पैकेजिंग आता है। इसका मैंने पर्सनल रिव्यू किया हुआ है। ये सनस्क्रीन मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये SPF 55 के साथ आता है, ऑल स्किन टाइप के लिए है, और ये भी पैराबेन सल्फेट सिलिकॉन फ्री है। इसकी जो प्राइसिंग वो यहाँ पे नहीं दी है, आई थिंक मैंने इसे डिस्काउंट में 250 में लिया हुआ था। सो आप इसे परचेस कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले चाहे वो ऑयली स्किन वाले, दोनों टाइप वाले आप इसे यूज कर सकते हैं।
इसका जो मैंने पर्सनल रिव्यू दिया हुआ है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लेना। देन इसके बाद आता है एलोवेरा जेल। सो इस तरीके की क्यूट सी पैकेजिंग में आती है ये एलोवेरा जेल। ये भी प्योर विटामिन स्लीपिंग नाइट जेल है ये। ये मैंने देखिए इतना यूज कर लिया है, बट इसे मैंने फेस में नहीं अपने हेयर में यूज किया है, तो मैं बताती हूँ क्यों। सो इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज्यादा रनी टेक्सचर है। ये देखिए ये मेरी क्लोथ्स में भी गिर गया। सो ये देखिए ये इतनी ज्यादा रनी टेक्सचर में है, ये मेरे फेस को एकदम ड्राई बना देता है। ये देखिए ऑयली स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं, बट ड्राई स्किन वाले तो बिल्कुल भी इसे यूज ना करें, क्योंकि आपके ये फेस को बहुत बहुत ज्यादा ड्राई बना देगा और एकदम खिंची खिंची से स्किन लगने लगती है। सो ड्राई स्किन वाले से परचेस ना करें। ये देखिए अभी तो ठीक लग रहा है, देन इसके बाद आपको देखना कि एकदम ड्राई ड्राई सा हो जाता है। ये भी इसमें लिखा है कि ये सिलिकॉन सल्फेट कलर फ्री है, सारे प्रोडक्ट सेम हैं, कि इनमें पैराबेन नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। सो ड्राई स्किन वाले इसे परचेस ना करें, ऑयली स्किन वाले इसे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किन को अच्छे से ड्राई बना देता है। देन इसके बाद जो आता है सीरम, ये देखिए ये सीरम इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, सेम डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड सिलिकॉन सल्फेट कलर फ्री प्रोडक्ट है ये, विटामिन के साथ आता है। देन इसके बाद इसमें है विटामिन सी, हाइड्रोलोनिक एसिड, मेड इन इंडिया। सो इसकी जो प्राइसिंग है वो है 699 रुपीज, इसे भी डिस्काउंट में मिल जाएगा। इसका जो सीरम का टेक्सचर है वो एज यूजुअल जैसे सीरम होते हैं वैसे ही टेक्सचर है इसका भी। ये सीरम काफी हद तक बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करके रखता है। ये देखिए आप इसे परचेस कर सकते हैं, कोई भी स्किन टाइप वाले हो आप सीरम को परचेस कर सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू वीडियो, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, ताकि और भी अच्छे अच्छे रिव्यू मैं आप लोग के सामने ला सकूं।